आज मैं लाया हूँ लुक वाले पांच ऐसे फ्रेंच वर्ड्स जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी आज के इस वीडियो में हम इन सभी फ्रेंच वर्ड्स को सीखेंगे ताकि जब बात इंग्लिश बोलने की हो तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I'm looking forward to your reply। यानी आपके रिप्लाई का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मुझे आपके ईमेल का बेसब्री से इंतजार है। I'm looking forward to your email। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लुक फॉरवर्ड टू का यूज हम तब करेंगे जब आपको कहना हो कि आपको किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। जैसे मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। I'm looking for my mobile। आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? मैं अपना बाइक का की ढूंढ रहा हूँ। I'm looking for the key of my bike। वह अपना नोटबुक ढूंढ रहा है। He is looking for his notebook। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक डाउन का मतलब होता है किसी को छोटा समझना या किसी को गिरा हुआ समझना। जैसे आमतौर पर अमीर लोग गरीबों को छोटा समझते हैं या गिरा हुआ समझते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जनरली द रिच लुक डाउन ऑन द पुअर। यानी आमतौर पर अमीर लोग गरीब को छोटा या गिरा हुआ समझते हैं। वह मुझे गिरा हुआ समझता है या वह मुझे नीच समझता है। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लुक्स डाउन ऑन मी। लुक ऑन का मतलब होता है समझना या मानना। जैसे कई बार आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं मैं आपको अपने पापा जैसा मानता हूं या मैं आपको अपने पापा जैसा समझता हूं। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लुक ऑन यू एज माई फादर। यानी मैं आपको अपने पापा जैसा मानता हूं। मैं आपको अपना टीचर जैसा मानता हूँ। आई लुक ऑन यू एज माई टीचर। मैं आपको अपना भाई जैसा मानता हूँ। आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर। मैं आपको अपनी बहन जैसा मानता हूँ। आई लुक ऑन यू एज माई सिस्टर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लुक ऑन का मतलब समझ में आया कि लुक ऑन का मतलब के जैसा समझना या के जैसा मानना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लुक ऑन का मतलब समझ में आया कि लुक ऑन मतलब समझना या मानना। लुक आउट का मतलब होता है देखो। जैसे देखो यहाँ एक सांप है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लुक आउट देयर ए स्नेक हेयर। यानी देखो यहाँ एक सांप है। देखो यहाँ कुछ है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लुक आउट देयर इज समथिंग हेयर। यानी देखो यहाँ कुछ है। देखो ये क्या है? लुक आउट व्हाट इज दिस। आइए लुक से रिलेटेड एक और वर्ड सीख लेते हैं। लुकअप का मतलब होता है ढूंढना। और खासकर इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढने की बात करें। जैसे मैं इस शब्द का मीनिंग ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। यानी मैं इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या ढूंढते हो? व्हाट डू यू लुक अप? मैं कुछ वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग अप सम वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे और ये सभी आपको शानदार तरीके से समझ में आया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों फ्रेंच वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।